अज आपां 2 जुलाई दे दिन होईआं सिख तारीख दीआं कुछ अहम घटनावां दा चर्चा करांगे। सब तो पहली घटना जो इतिहास विच 2 जुलाई दे दिन नाल संबंध रिकॉर्ड कीती मिलदी है वह 1978 दी है। चेतर है कि 1943 विच ऑल इंडिया सिख फैडरेशन जिहड़ी है लाहौर विच कायम कीती गई सी जदों सरदार सरूप सिंह इस दे पहले प्रधान बने सन। उस तो बाद काफ़ी देर तक सिख फैडरेशन बड़ा अहम रोल अदा करती रही है, पर 1962 विच जदों अकाली दल विच फुट पई है तो फतेह सिंह ने अपना अलग अकाली दल बनाया है तो उदों फैडरेशन विच भी फुट पै गई तो फैडरेशन के 2 धड़े बन गए। मास्टर तारा सिंह के नाल जिहड़ा संबंध धड़ा रहा उहदा प्रधान अमरीक सिंह जिहड़ा लाजपुर खालसा कॉलेज जलंधर च बाद च प्रोफेसर भी रहा वह प्रधान बनया। फतेह सिंह धड़े का प्रधान मक्खन सिंह बनया जिहड़ा कि बाद च पंजाब एंड सिंध बैंक दे विच बड़ी वड्डे अहुदे ते रहा है। तो जो दोनों का रोल ही बड़ा वधिया सीगा, पर एक ये होया कि इस तरह वंडे जाण नाल फैडरेशन का रोल जिहड़ा वह कमज़ोर हो गया, 2 हिस्सों से वंडे जाण करके उन्हां नौजवान जिहड़े सन तो चित्ती च आ गए, पर एक दूजा नुकसान यह होया कि फैडरेशन जिहड़ी है खास करके फतेह सिंह वाली जिहड़ी है उस फैडरेशन दे नाल जिहड़े संबंध सन उन्हां विचों बहुत सारे लोग जिहड़े सन वह कम्यूनिस्टां विचों आए हुए सन, इस करके फैडरेशन का रोल जिहड़ा है वह वधिया ना बन सकिया। पर 1968 विच 6 साल बाद जो अकाली दलों में एकता हुई तो फैडरेशन का भी जोड़ा है वह अनऐलानिया एका हो गया, तो ये क्योंकि फैडरेशन आलमोस्ट खत्म हो चुकी थी तो इनू सुरजीत सिंह संधू सन खालसा कॉलेज जलंधर के प्रोफेसर पोलीटिकल साइंस के जिन्होंने फैडरेशन के प्रधान बना के ते काम करने वास्ते ताकत दी गई, पर वह कुछ ही महीने में ही चढ़ाई कर गए तो छोटी उम्र चढ़ाई कर जाने मगरों फैडरेशन फिर खाली हो गई। तो इस दे वास्ते फिर इस एक्टिंग प्रधान जसवंत सिंह मान को बुलाया गया। जसवंत सिंह मान दोबारा जो रस्मी तौर पर चोन आई है 1969 विच लुधियाने विच तो उन्होंने उस फिर सिख फैडरेशन का प्रधान बनाता गया। जसवंत सिंह मान के नाल सुरजीत सिंह नारंग, गुरबचन सिंह करसी, हरजिंदर सिंह दिलगीर, हरदीप सिंह बाजवा, हरजीत सिंह संधू सुरेंद्र सिंह होठी ये सारे जने सन उहदे साथी सन। दर्शन सिंह फिरू मान के वर्त के वेले उन्होंने बहुत वधिया जिहड़ा रोल अदा किया। दिलगीर ते होठी नूं तां इस वास्ते जेल भी जाना पिया। बाद विच फैडरेशन दे क्योंकि जसवंत सिंह मान वालों इस नूं छड्ड जाण तो बाद अपने जिहड़ी जॉब जाण करके पंजाब सिंध बैंक की जॉब जॉइन करन करके इस तो बाद जसवंत सिंह गरेवाले का प्रधान बनया। फिर हरी सिंह प्रोफेसर इसका प्रधान बनया, प्रोफेसर जगीर सिंह भुल्लर इसका प्रधान बनया, पर यह सारे के सारे कागजी प्रधान सन, कोई भी वधिया रोल अदा ना कर सकया। इस दौरान हरसिमरत सिंह, हरजिंदर सिंह दलगीर, मनजीत सिंह नाभा, बलवंत सिंह रामू वालिया सिख स्टूडेंट एंड यूथ फैडरेशन भी आप अपने फट्टे ला के अपने आप को सिख स्टूडेंट फैडरेशन का प्रधान आखते रहे सन। इन्हों दिनों से 13 अप्रैल 1978 के दिन जो निकारियां ने अमृतसर से 13 सिंह शहीद किया तो सिख फैडरेशन भी दोबारा नवा जीवन देने वास्ते दोबारा जिंदा करने वास्ते रिजुविनेट करने वास्ते जिहड़ा है रिस्ट्रक्ट करने वास्ते इकट्ठ किया गया। तो 2 जुलाई 1978 के दिन टैगोर थिएटर में सारी फैडरेशन का इकट्ठ किया गया। इस इकट्ठ में एक मजेदार चीज़ यह है कि भावें जापता नहीं सीगा कि कोई एक प्रधान चुनिया जाए क्योंकि सारे धड़े वक् वक् सन तो वक् वक् ही प्रधान बनने का खदशा पैदा हो गया सी, पर अखीर सारे ने फैडरेशन के सारे पुराने आगुआ ने जोड़े कि उत्थे हाजिर सन जिन्हें सरूप सिंह, भान सिंह, अमर सिंह अंबालवी ये बैठे सन, इन्होंने बैठ के विचार किया बेहतर है कि ज्ञानी करतार सिंह जोड़े पिंडर वाले आ उन्होंने लड़के भाई अमरीक सिंह ने प्रधान बनाता जाए ता जो जोड़ा एक फैडरेशन तो बहरला चेहरा आ जाए जोड़ा आ के इस धार्मिक तौर पर भी जिंदा करे। तो उस दिन 2 जुलाई 1978 के दिन भाई अमरीक सिंह सिख फैडरेशन का प्रधान बना दिता गया। 2 जुलाई 1983 भी साढ़े को घटना है कि 2 जुलाई 1983 दिन CRPF ने बाबा बकाला विच निहंगा दे उत्ते हमला करके ते उन्हां दे जत्थे दे विच जिहड़े लोग सन उन्हां नूं मारिया कुटिया भी उन्हां ते लाठीचार्ज भी कीता ते गोलियां भी चलाईयां। तो इहदे नाल तकरीबन दो निहंग सिंह उसे वक्त ही मार गए ते 8 बुरी तरह जख्मी होए जिन्हां विचों एक बाद चढ़ाई कर गया। CRPF ने डेरे का बहुत सारा जरा निहंगा डेरे का बहुत सारा समान भी लुट लिया। सो CRPF BSF ITBP ये जड़े सन क्योंकि लाए हुए सन सिखा के उत्ते जुलम करने वास्ते तो ये अक्सर सिखा के ज्यादा करते रहते सन। 1984 की 2 जुलाई की
घटना बड़ी अहम घटना है। असी जानते हाँ कि 4 जून तो लैके 6 जून तक 1984 दरबार साहब से हमला जरा किया गया और इस तो बाद सिख फौजियों ने बगावत की है। इस बगावत तो बाद सरकार ने फैसला किया भी सिखा फौजियों एको थाए कट्ठे नहीं रहन दिता जाएगा। हालांकि ये कोई फर्क नहीं सी पैना पर क्योंकि रस्मी तौर पर उन्होंने सोचा भी शायद ये फर्क पै जाए तो हालांकि ये पिछे एक और भी पिछोकड़ सी भी ये सिखा का ना जोड़ा है वह भी इस तो हट जाएगा। तो इस करके इन्होंने सिख रेजिमेंट की भारतीय फौज की 9th सिख रेजिमेंट जी है उसको तोड़ दिता क्योंकि यह सिर्फ सिर्फ सिखा की ही रेजिमेंट से कोई गैर सिख शामिल नहीं सी। उन्होंने चाहते सन कि जे कोई होगी रेजिमेंट सिखा की मेजोरिटी वाली तो दूसरे भी हिंदू भी खास करके जोड़े आ हो गए तो उस एको जहा फैसला एक राय वाला फैसला आपस नहीं कर सकेंगे। इस तो बाद साढ़े को नकली मुकाबलों का दौर चल पैदा है। 2 जुलाई 1986 के दिन पंजाब पुलिस ने कुलदीप सिंह सुखदेव सिंह ते शीरा नकली मुकाबले में शहीद कर दिता। 1988 भी शहीदियां 2 जुलाई 1988 के दिन पंजाब पुलिस ने चोटी के खाड़कू निशान सिंह एरिया कमांडर वासी भोले के एक नकली मुकाबले में शहीद कर दिता। इसे समय दौरान रुपिंदर सिंह बवला ते गुरदीप सिंह दीपा भी जिहड़ा नकली मुकाबले में शहीद किया गया। 1999 की 2 जुलाई की भी घटना है। 2 जुलाई 1999 के दिन पंजाब पुलिस ने एक नकली मुकाबला बुला के गुरबीर सिंह राजू पुत्र जोगिंदर सिंह फोरमैन वासी झबाल तरन तारण नू एक नकली मुकाबले शहीद कर दिता। 1990 की भी जी है 2 जुलाई भी साढ़े को नकली मुकाबले की घटना है। 2 जुलाई 1990 के दिन पंजाब पुलिस ने सुखजिंदर सिंह सुखा वासी सुल्तानवेंट अमृतसर ते गुरमीत सिंह उर्फ टीटी पुत्र भगवान सिंह मिस्त्री वासी मुणक संगरूर नकली मुकाबले में शहीद कर दिता। इसे दिन ही पंजाब पुलिस ने होर भी दो सिंह शहीद किए जिन्हों का नाम जोड़ा वह नहीं मिल सकया। 1991 की 2 जुलाई के दिन दर्जना सिखा पुलिस ने नकली मुकाबले में शहीद किया। 2 जुलाई 1991 के दिन पंजाब पुलिस ने फुलतार सिंह फिरोजपुर सुखदेव सिंह सुखा वासी महेशपुरा लुधियाना अमरजीत सिंह बिट्टू वासी सुल्तानवेंड अमृतसर निर्मल सिंह उर्फ बंब वासी भैल निर्मल सिंह निम्मा उर्फ छोटू खुशकरण जोत सिंह हनी वासी पूना बेंत सिंह निहंग वासी सुखा चिड़ा रणजीत सिंह रोमी वासी चन्नण के सतनाम सिंह चंगेड़ा मनजीत सिंह लाली उर्फ दिलराज सिंह शेरा वासी करमपुरा अमृतसर नकली मुकाबले में शहीद कर दिता। 1992 भी जोड़ा नकली मुकाबले की जी साढ़े को एक वारदात का जिक्र मिलता है कि 2 जुलाई 1992 के दिन पंजाब पुलिस ने कुलवंत सिंह कंता बलजीत सिंह ते एक होर सिंह नकली मुकाबले में शहीद कर दिता। 1993 भी साढ़े को एक जी है इस तरह की घटना है कि 2 जुलाई 1993 के दिन पंजाब पुलिस ने सुरजीत सिंह पुत्र इंदर सिंह वासी पिंड ठरू नू एक नकली मुकाबले में शहीद कर दिता। 2013 की 2 जुलाई की साढ़े को एक बहुत अहम चीज़ है अहम घटना है कि 2 जुलाई 2013 के दिन पंजाब पुलिस के एक थानेदार सुरजीत सिंह ने शरेआम मीडिया इकबाल किया कि उसने 1990 सीनियर पुलिस अफसर के कहने 83 नौजवान बेगुनाह सिखा नकली पुलिस मुकाबले च मारिया। उसने कुछ नावों की लिस्ट भी पेश की जिन्होंने सन जोगिंदर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह वासी बाघा कुलवंत सिंह सियालका खालिस्तान कमांडर फोर्स से उसका एक साथी मंगल सिंह मांगा पुत्र मोहन सिंह वासी अर्जन मांगा गुरचरण सिंह बिश्नंदी वासी जैतो प्रेम सिंह बिट्टू पुत्र दिलीप सिंह वासी बोपाराए निर्वैर सिंह गग्गो बूहा केवल सिंह ढिलों बलकार सिंह बल्ली वासी कोट खालसा हरभेज सिंह भेजा वासी नवा पिंड काबल सिंह वासी छोटेपुर हरनेक सिंह बलराज सिंह बब्बी पुत्र गुरदयाल सिंह वासी सारगढ़ देहरादून गुरमीत सिंह मीता पुत्र गांधा सिंह वासी कालेके सुरजीत सिंह शग्गा वासी चीचोवाली ते उसके चार साथी भुपिंदर सिंह पिंदा हरजिंदर सिंह जिंदा वासी उदोके बीर सिंह साबका सरपंच वासी उदोके हरजिंदर सिंह उर्फ बाबा रणजीत सिंह ते उसकी पत्नी कुलविंदर कौर वासी खब्बे राजपूतां ये नाँ जिहड़े उसने दिते हैं उन्हां विचों कुछ हैं। तो सुरजीत सिंह का ये
इकबाल डे जिहड़ा इंकशाफ सी इकबाल ने किया डे एंड नाइट टीवी तो नशर होया भारत सरकार भारत के किसी भी मीडिया ने इस खबर नशर तक ना किया। यह भारतीय मीडिया की सिखा के नाल जी है वह गैर सारी नफरत का अपने आप से इजहार से। सुरजीत सिंह इंसानी हकूक दी जथेबंदियां पंजाब ह्यूमन राइट्स के आगू कृपाल सिंह रंधावा ने मीडिया अगे पेश किया। इस मगरों उसने अपनी जान को खतरा कह के पंजाब हाई कोर्ट में दरखास्त भी दी सी, पर 8 जुलाई के दिन हाई कोर्ट ने उसकी दरखास्त रद्द कर दी। हाई कोर्ट ने इन कतलों का नोटिस भी नहीं दिया क्योंकि ये कतल किए गए जड़े सन सिख सन सन ये जुलाई ये सन 2 जुलाई के दिन दया कुछ अहम घटनावान जिन्हों का मैं थोड़े न जिक्र किया है। शुक्रिया।